अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास सिक्स बच्चों आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ वो कुछ चीजें क्लियर करने के बाद ही मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो आपको समझ आएगी तो सबसे पहली बात ये कि वॉट इज चार्टर आपकी बुक में एक वर्ड है चार्टर लेकिन चार्टर होता क्या है चार्टर होता है लेजिस्लेटर पावर यानी के उस वक्त जो भी हकूमत में होता है वो आपको एक रिटर्न परमिशन देता है कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन कोई फैक्ट्री या कोई भी इदारा खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं वो एक रिटर्न परमिशन होती है जिसमें आपको ये भी बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपने किसी स्कूल ट्रिप पे जाना हो और आप एक, एक एप्लीकेशन लिखो और उस एप्लीकेशन पर आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए हो जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेंगे आपको ट्रिप पे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी बिल्कुल ऐसे ही चार्टर भी होता है अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बनने के लिए चाहिए था चार्टर और वो चार्टर दिया था क्वीन एलिज़बेथ वन ने आप अपनी स्क्रीन पर क्वीन एलिज़बेथ वन की पिक्चर भी देख सकते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर ट्रेड विद एशियन नेशंस यानी के एशियन नेशंस के साथ ट्रेडिंग में तजारत में और दूसरा ट्रेडर्स इन स्पाइसिस यानि के ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादातर स्पाइसेज में ट्रेड करती थी वाई डिड द नीड स्पाइसिस स्पाइसिस इसलिए बिकॉज स्पाइसिस आर यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बच्चों अब हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं दैट इज सिक्सटींथ सेंचुरी यानी कि आज से कई सौ साल पहले की बात तो चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं इन 1612 हंड्रेड एंड थॉमस बेस्ट हु वाज एन इंग्लिश कैप्टन केम टू सूरत सूरत वाज अ प्लेस इन इंडिया So he landed at Surat and he started trading with India. Three years later in sixteen hundred fifteen, Sir Thomas Rowe, who was the ambassador of King James I came to Surat. Yanikitin Salbad and other English captains, Sir Thomas Rowe came to India, and he was the ambassador of King James I. What is an ambassador? अम्बेसडर ये होता है कि अगर आप अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो अब सर थॉमस रो किंग जेम्स की तरफ से गए थे दैट he ही representing रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑफ किंग जेम्स that दैट England इंग्लैंड एट दैट टाइम फ्रेंच and एंड अब बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि जिस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया में आए वो आने वाले पहले नहीं थे उनसे पहले भी पुर्तगालियन डच और फ्रेंच लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे थे इंग्लिश एंड फ्रेंच एट वॉर लेकिन फिर क्या हुआ कि इन सब के दरमियान जंग शुरू हो गई किस चीज की जंग हर बंदा ये चाहता था फ्रेंच चाहते थे कि इंग्लिश निकल जाए ताकि सारी ट्रेडिंग पे फ्रेंच का कब्जा हो जाए इंग्लिश चाहते थे कि फ्रेंच निकल जाए इसी तरह डच यानी कि पीपल ऑफ नदरलैंड चाहते थे कि पॉर्तगीज़ निकल जाए एंड वाइस वर्सा लेकिन पोर्तज़ और डच आपस में लड़ते रहे देयर इन्फ्लुएंस वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया पीछे रह गए फ्रेंच एंड इंग्लैंड 1741 में केम अ फ्रेंच मैन डुप्लेक्स एंड ही लैंडेड री पुंडीचेरी वॉज ए प्लेस इन इंडिया उसने इंडियन सोल्जर्स को ही ट्रेन किया ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके इंग्लिश एंड फ्रेंच वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर वो एक दूसरे की फैक्ट्रीज तबाह कर देते थे उनका जो शिप्स के थ्रू सामान आ रहा होता था वो उसको तबाह कर देते थे मतलब उन दोनों की हर तरह से पूरी पूरी कोशिश थी कि कोई एक हार जाए ताकि एक सारे इंडिया की ट्रेडिंग पे कब्जा कर सके अब जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं यानी कि सिक्सटीन सेंचुरी उस वक्त मुगल एम्पायर टोटली कोलेप्स कर चुका था मैंने आपको बताया था मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ाते हुए कि औरंगजेब के बाद जो भी हुक्मरान आता था वो पिछले हुक्मरान से कमजोर होता था जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का कोई हाल नहीं था मुगल एम्प्राय आपस में ही लड़ते रहते थे जब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि मुगल एम्पायर का कोई हाल नहीं है तो उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाने के बारे में सोचा ऑबियसली जब आपका आपस में ही एक मुल्क में इतिहाद नहीं होगा तो आप कैसे अपने मुल्क की हिफाजत करोगे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज अगर हमारे मुल्क में हम सारे आपस में ही लड़ना शुरू कर दें और कोई हमारे मुल्क पर हमला कर दे तो हम अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क का दिफा करने के लिए ज़रूरी है कि आप में यूनिटी हो आप लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं. अगर आपस में ही लड़ाइयाँ होंगी तो कोई दिफा नहीं कर सकेगा बिल्कुल यही हाल उस वक्त मुग़ल एम्पायर का भी था क्योंकि उनकी आपस में ही बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी इसलिए जब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आए और उन्हें नज़र आया कि इंडियन स्पाइसेस तो बहुत अच्छे हैं और इंडियन कपड़ा भी बहुत अच्छा है तो उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको आपस में ही लड़ने दिया जाए और हम इन पर हकूमत करना शुरू कर दें फोर्टी एट रूलर ऑफ कर्नाटक एंड हैदराबाद डायड कर्नाटक और हैदराबाद इंडिया में ही दो जगहों के नाम थे तो फिर क्या हुआ कि कर्नाटक और हैदराबाद के रूलर्स की डेथ हो गई अब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें इन जगहों पर कब्जा करना चाहिए चंदा साहेब सपोर्टेड बाई फ्रेंच वॉज मेड रूलर इन कर्नाटक चंदा साहब एज ए रूलर थोड़ा अजीब सा नाम लगता है पर उस शख्स का असल नाम हुसैन था उन्हें चंदा साहब के नाम से बुलाया जाता था तो कर्नाटक में चंदा साहब की हुकूमत शुरू हो गई लेकिन चंदा साहब को फ्रेंच की सपोर्ट हासिल थी और ये बात ब्रिटिशर्स को एक आंख नहीं भाई मतलब ये कि अगर फ्रेंच चंदा साहिब के पीछे थे उसको सपोर्ट कर रहे थे तो मतलब जितना भी इलाका चंदा साहिब के अंडर था उसमें फ्रेंच ही ट्रेड कर सकते थे और ब्रिटिशर्स को यह बात मंजूर नहीं थी उन्हें लगा कि अगर चंदा साहिब, जो कि फ्रेंच की मर्जी से आए थे हकूमत करेंगे तो हमारी ट्रेड पर असर पड़ेगा आर्मी केम अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड कैप्चर्ड आर कोर्ट दैट वाज़ कैपिटल ऑफ कर्नाटक तो फिर क्या हुआ एन अदर इंग्लिश कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव केम विदिज आर्मी और उसने कर्नाटक पे कब्जा कर लिया चंदा साहेब डाइड सून एंड मोहम्मद अली सपोर्टेड बाय ब्रिटिश केम अब जब कर्नाटक पे कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने तो उसके कुछ ईयर्स से बाद चंदा साहेब की डेथ हो गई अब फिर किसी रूलर ने आना था फिर किसी ने सिलेक्ट होकर आना था तो ब्रिटिशर्स ने अपनी मर्जी का बंदा लगाया रूलर के तौर पे, और उसका नाम था मोहम्मद अली यानी कि अब ब्रिटिशर्स की मर्जी का बंदा आ गया था और वो अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रेडिंग कर सकते थे हैदराबाद सलाबत जंग सपोर्टेड बाय फ्रेंच और हैदराबाद में सलाबत जंग की हुकूमत आ गई अगेन सलाबत जंग फ्रेंच की मदद से आया था यानी कि उसको फ्रेंच की सपोर्ट हासिल थी अच्छा बच्चों एक बात आपने थ्रू आउट याद रखनी है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आई जरूर थी पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो पूरे ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रही थी वो जो भी मुनाफा हासिल कर रही थी या जो भी काम कर रही थी वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी मतलब वो सारा पैसा ब्रिटेन को वापस नहीं जा रहा था ब्रिटेन बाद में आया था और उसने पूरे इंडिया पे कब्जा किया था दैट आई विल टेल यू इन द फॉलोइंग लेक्चर्स पर फिल वक्त सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो इंडिया में ट्रेडिंग कर रही थी अब बहुत सी लड़ाइयों के बाद अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान लगाने के बाद एक दूसरे का अच्छा खासा नुकसान करने के बाद ब्रिटिशर्स और फ्रेंच को एहसास हुआ कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा ऑब्वियसली उनके नुकसान हो रहे थे उनकी शिप्स तबाह होती थी उनके पैसे जाया जाते थे उनकी फैक्ट्रीज़ तबाह होती थी और फैक्ट्रीज लगाने में बहुत पैसे लगते थे तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम आपस में नहीं लड़ते लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मोर स्ट्रांग एज़ कंपेयर टू द फ्रेंच तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया वो ट्रेडिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि फ्रेंच वापस चले गए हों फ्रेंच का इन्फ्लुएंस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि बंगाल में कायम रहा उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से समझाऊंगी। लेकिन अगला लेक्चर समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस सारे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आए आपने याद रखना है कि कब क्या हुआ था किस डेट के बाद क्या हुआ था कौन सा हुक्मरान कब आया था आपने इंग्लिश कैप्टन के नाम याद रखने हैं आपने चार्टर की डेफिनेशन याद रखनी है और बच्चों सिर्फ अपनी कोर्स बुक्स मत पढ़िएगा आपकी कोर्स बुक्स में जो इवेंट्स मैंशनड हैं उन पर इंटरनेट पर बहुत अच्छी वीडियोस मौजूद हैं एनिमेटेड वीडियोस जो आपके लिए समझना बहुत आसान है आप वो वीडियोस देख सकते हैं उनसे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स डू एक्स्ट्रा रीडिंग इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी एंड योर जरल नॉलेज एज वेल अगर आप सिर्फ अपनी किताब पढ़ेंगे तो आपको इन इवेंट्स की अच्छे से समझ नहीं आएगी और आपको चीज़ों का रटा मारना पड़ेगा और रट्टा तो हमने मारना नहीं है हमने तो चीज़ें समझ कर चलनी हैं टेक केयर अल्लाह हाफिज़